हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि एनटीपीसी को के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने इस प्रकार के प्रश्न लाए हैं। बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है दोस्तों। ये जो है 40 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग जो है आंसर अगर पता है तो आप लोग देते चलिएगा, ठीक है? तो उससे पहले ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन आपको दिख रहा है, तो अपना स्क्रीन पे आप दबा के इसे शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तभी करें, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए और फटाफट आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीफ के आवर्त सारणी आधारित थी। नेक्स्ट है कि सर्च लाइट में दर्पण प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कमेंट करें आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन देखिए और फटाफट कमेंट करें क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बनवारी लाल पुरोहित। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, क्या होगा सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सोडियम। आप पॉज करके आंसर अपना बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? ये एक धर्म था, ये किस वर्ष प्रारंभ की थी? ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कर सकते हैं आप क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1582 में। 1582 सही आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट करें क्या होगा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 343 अनुच्छेद। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी जो हैं किससे प्रभावित थे? ए बी सी डी, आप कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीजाबाई से। जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है, न्यूलैंड की वर्गीकरण में कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? कौन सा तत्व अंतिम तत्व है न्यूलैंड की थ्योरी में, बताना है क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या? बी नंबर, थोरियम। थोरियम था अंतिम तत्व। नेक्स्ट है, विश्व में पाए जाने वाले अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? विश्व में बताना है सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, देख लीजिए आप ऑप्शन क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विटुमिनस कोयला। विटुमिनस कोयला जो है सर्वाधिक पाया जाता है। मैं प्रश्न का डिटेल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और दोस्त लोग जो है इसी प्रकार के जो है प्रश्न देखना पसंद करते हैं, वो डिटेल पसंद नहीं करते हैं। बताइए क्या होगा ये क्वेश्चन जो है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, कौन सा यंत्र से बादलों की गति एवं दिशा नापा जाता है? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर किसका एसआई यूनिट है? किसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य कौन सा है भारत का, बताना है क्या होगा सही आंसर? क्या हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति, मध्य प्रदेश। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन? ऑप्शन देखिए और कमेंट कर सकते हैं आप क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इसका। बी नंबर, 1896 में। अगला है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? ऑप्शन देखिए आप और कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। अगला है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो कमेंट कर सकते हैं आप क्या होगा सही आंसर इसका।
नोबेल गैस कौन सा नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन होगा सही आंसर, आप कमेंट कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही आंसर है। अगला है, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बी नंबर ऑप्शन सही है, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। अगला है, ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन देखिए और कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका, ई किसके लिए प्रयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे गहरा मरुद स्थल और संरक्षित बंदरगाह है? तो बताना है क्या होगा सही आंसर, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है और संरक्षित, ए बी सी डी कमेंट कर सकते हैं आप दोस्तों। क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक किन राज्यों के बीच स्थित है? जलमार्ग संख्या बताना है, तो क्या होगा सही आंसर इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया। नेक्स्ट है कि जनवरी 2019 में निम्नलिखित में से किसने आईसीसी के क्रिकेटर टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था या जीता है? बताना है क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विराट कोहली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी इंडिया का अध्यक्ष है? आईसीसी का अध्यक्ष कौन है बताना है, ऑप्शन है आपके सामने देख सकते हैं और बताइए क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इसका, सी नंबर, विक्रमजीत साहनी। विक्रमजीत साहनी। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की संख्या कितनी है? गैर धातुओं की संख्या बताना है क्या होगा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 20। 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एंथेनाइट्स, सॉरी लाइंथेनाइट्स किस ब्लॉक से संबंधित है? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा सही आंसर, लाइंथेनाइट्स। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी कि एफ ग्रुप से संबंधित है। अगला है, आवर्त सारणी में मौजूद उपधातु की कुल संख्या कितनी है? उपधातु की कुल संख्या आप लोगों को बताना है क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि सात, उपधातु है सात। अगला है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की बताइए आप लोग क्या होगा सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 भी कहते हैं। भारत की कहाँ गया है ये ध्यान रखिएगा, अगर भारत में देगा, भारत में अगर रहेगा क्वेश्चन में तो वो कंचनजंगा होगा। नेक्स्ट है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम बताना है किससे संबंधित है, बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के प्रचलन। अगला है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों क्या होगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, 21 ईयर, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायती चुनाव। नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन और कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी, यानी कि बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र, ये सभी सत्र संसद के सत्र हैं। अगला है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सही आंसर है। अगला है कि काला सागर जिसे ब्लैक सी कहा जाता है किस देश में स्थित है? ऑप्शन देख के आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रूस सही आंसर है इसका। अगला है प्रवाल। प्रवाल जिसे कोरल भी कहा जाता है वो क्या है? प्रवाल क्या है? ऑप्शन देखिए और कमेंट करें। तो ये है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक समुद्री जीव है, प्रवाल एक समुद्री जीव है। अगला है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन देख के आप कमेंट कीजिए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कांगो। कांगो को कहा जाता है वनों का देश। अगला है कि कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुजरात। सही आंसर है गुजरात। अगला है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है और कितना वहन करता है बताइए आप। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक यूनिट ऋण आवेश, एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता है इलेक्ट्रॉन। अगला है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? आप कमेंट करें बताइए क्या होगा इसका। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे तेज बहने वाली सागर महासागरीय जलधारा कौन सी है? महासागरीय जलधारा बताना है सबसे तेज, तो कौन हो जाएगा? ए नंबर सही है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। अगला है भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया था? पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया था भारत में? तो क्या होगा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कों ने। अगला है कर्नाटक का कम्बला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कम्बला त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भैंसों के दौड़ से संबंधित है। तो यहाँ समाप्त हो जाते हैं 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न, जो आपने देखा ही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाने की बहुत संभावना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के सेट आप लोगों को अब मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।